ज्ञान योग की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में हम सीखेंगे डिस्क क्लीनअप। समय समय पर आपके सिस्टम में टेम्पररी फाइल्स बनती रहती हैं और ये जो फाइल्स हैं वो आपके सिस्टम की मेमोरी घेरती हैं और इसकी स्पीड को कम कर देती हैं। साथ ही अगर आप इस पर इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसकी स्पीड भी कम कर देती हैं और आपका कंप्यूटर हैंग होने लगता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम डिस्क जो है उसको क्लीन करते रहें। इसके लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और या तो आप यहाँ पर डिस्क क्लीनअप लिख करके एंटर कर दें और या फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएं। यहाँ पर आपको फोल्डर मिलेगा एक्सेसरीज का, इस पर क्लिक करें और इसमें एक और फोल्डर है सिस्टम टूल्स, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर डिस्क क्लीनअप दिया है, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स में वो आपसे जिस ड्राइव को क्लीन करना है उसको सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। यहाँ पर आप जिस भी ड्राइव को क्लीन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। ये सी ड्राइव हमने ली और अब ओके पर क्लिक कर दें। अब ये देखिए यहाँ पर ड्राइव सी में जो भी डिलीट करने लायक फाइल्स हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। वैसे तो ये प्रायः सारी फाइल्स जो हैं वो डिलीट करने के लिए ही हैं, फिर भी अगर आप किसी पर्टिकुलर फाइल को या फोल्डर को रखना चाहते हैं तो उसे रख सकते हैं, अन्यथा बाकी सभी को आप सिलेक्ट कर लें और अब ओके पर क्लिक कर दें। ये एक डायलॉग बॉक्स आ गया है जो आपसे एक बार फिर से पूछेगा कि क्या आप इन फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। अब डिलीट फाइल्स पर क्लिक कर दें। ये डिस्क क्लीनअप शुरू हो गया है और ये आपकी सी ड्राइव की जो भी टेम्पररी फाइल्स थी वो सब डिलीट हो गई हैं। इसी तरह से बाकी भी जितनी ड्राइव्स हैं आपके सिस्टम में उन सभी को आप क्लीन कर सकते हैं। आज के अध्याय में हमने सीखा डिस्क क्लीनअप।